हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे बीएससी पार्ट टू फिजिक्स ऑनर्स का सिलेबस। सिलेबस ऑफ फिजिक्स ऑनर्स बीएससी पार्ट टू पेपर हैं, पेपर थ्री और पेपर फोर। जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स ऑनर्स पार्ट वन में आपने फिजिक्स के दो पेपर, पेपर वन और पेपर टू पढ़ लिया, तो पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे पेपर थ्री एंड पेपर फोर। चलिए, उसका सिलेबस है, डिटेल सिलेबस आप लोग देख लीजिए। मैं इसको दिखा रही हूँ आपको, आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिजिक्स ऑनर्स पेपर थ्री है, इसमें दो पेपर है, पेपर थ्री और पेपर फोर, और एक प्रैक्टिकल पेपर हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 3 आवर्स टाइम है, फुल मार्क्स 75 मार्क्स, यानी दोनों पेपर थ्योरी पेपर हैं, पेपर थ्री और पेपर फोर। 75 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं और 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल, यानी कि आपके क्वेश्चन में, एग्जाम्स पेपर में, क्वेश्चन पेपर्स में 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 का आंसर आपको करना है। 4 फ्रॉम ग्रुप ए और 2 फ्रॉम ग्रुप बी, इसमें दो ग्रुप दिया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 4 क्वेश्चन का आंसर करना है और ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन का। चलिए, ग्रुप ए में पढ़ना है ऑप्टिक्स, टोटल पेपर ही है ऑप्टिक्स, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 4 का आंसर करना है। फर्मिट्स प्रिंसिपल एंड मिरर एंड लेंस फॉर्मूला, कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ थिक लेंस एंड थिक लेंस फॉर्मूला, इंटरफ्रेंस फिनोमेना बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसके बाद से और आप देख लीजिए, फॉरनहॉफर्स डिफ्रैक्शन, हार्पियर जोन्स, रिसॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म, प्रोडक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। ठीक है, आप टोटल देख लीजिए, ये आपका फिजिक्स ऑनर्स पेपर थ्री का, पार्ट टू का, पेपर थ्री का सिलेबस है। अब आते हैं हम लोग ग्रुप बी में। ग्रुप बी में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 2 का ही आंसर करना है। मैक्सवेल फील्ड्स इक्वेशन, वेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम, मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर, प्रेशर ऑफ रेडिएशन प्लेन, और आप देख लीजिए स्कैटरिंग बाय फ्री एंड बाउंड चार्जेज, लास्ट है ग्रुप बी और ग्रुप बी। आपने देखा ग्रुप ए और ग्रुप बी पेपर थ्री। अब हम चलते हैं पेपर फोर की ओर। पेपर फोर फिजिक्स ऑनर्स पेपर फोर, फुल मार्क्स 75, इसमें भी टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 का आंसर करना है। एटलीस्ट 1 फ्रॉम ग्रुप ए एंड एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ऑफ ग्रुप बी एंड सी, 6 क्वेश्चन का आंसर करना है ना, कम से कम 1 क्वेश्चन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी और सी से 2-2 क्वेश्चन, और बाकी किसी से भी 1 क्वेश्चन और आप कर सकते हैं, क्योंकि 6 का आंसर करना है। ग्रुप ए में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, ग्रुप ए है, इससे कितना आंसर करना है, 1 क्वेश्चन। आप देख लीजिए, बाउंड्री कंडीशन एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिज एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, देख लीजिए पेपर फोर का है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, अभी ग्रुप ए से ही है इसमें का बाकी, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पारा एंड फेरोमैग्नेटिज्म में, लास्ट है इसका। ओके, आपने देखा। अब आप देखिए ग्रुप बी, ग्रुप बी में पढ़ना क्या है टॉपिक, मेन टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें से 2 का आंसर आपको करना है। थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ सीबेक, इसके अलावा आप लोग देख लीजिए मूविंग कॉइल, मीटर,
थ्री फेज एसी सिस्टम ट्रांसफर, ठीक है। आपने ग्रुप बी देखा, अब आप लोग देख लीजिए ग्रुप सी, मॉडर्न फिजिक्स। ग्रुप सी में पढ़ना क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको आंसर करना है 2 का तो एकदम से नेसेसरी है। इसके अलावा आप एक क्वेश्चन जो है आप किसी भी ग्रुप से कर सकते हैं एक्स्ट्रा। फैक्ट मार्क्स लॉ लास्ट क्या है? ऑरिजिन ऑफ कॉमिक्स रेज। ओके, आपने देखा ग्रुप बी ग्रुप सी, ये फोर्थ पेपर का है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ प्रैक्टिकल, फुल मार्क्स 50, टाइम आपको आपके कॉलेज में बताया जाएगा कि टाइम कितना होगा एग्जाम सेंटर पे। और ये देख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय स्पेक्ट्रोमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर 3 नंबर में देती है। देखिए डिटर्मिनेशन वेवलेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ अस्टेंट वेवलेंथ बाय न्यूटनिक वेवलेंथ बाय प्रिज्म। ओके, 8 नंबर रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, एक एक करके आप देख लीजिए डीप बाय डीप सर्किल एंड अर्थ इंडक्टर। स्टडी ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट्स, डाइसोर्टिस ब्रिज, ठीक है। आप लोगों ने देखा ये रहा प्रैक्टिकल। अब आपने सिलेबस इसको कॉपी पर आप लोग लिख लीजिएगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, तो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मुझे इस बताने के सिलसिले में कहीं कुछ गलती हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं फिजिक्स की स्टूडेंट्स नहीं हूँ, मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट्स रही हूँ, तो आप हमें आप लोग के हेल्प के लिए मैं ये सारे सिलेबस अपलोड कर रही हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।